बिहार की सत्ता को हिलाकर रख देने वाला सृजन घोटाला कोई मामूली स्कैम नहीं है। इसके बारे में जान वर्तमान सरकार की हालत भी खराब हो गई है, क्योंकि सरकारी खजाने को चपत लगाने का खेल नीतीश सरकार में भी चलता रहा। 2009 से 2016 तक जारी हेराफेरी के खेल ने विपक्ष को नीतीश सरकार पर हमला करने का बड़ा मौका दे दिया है। राजद मुखिया लालू प्रसाद यादव ने इसके लिए मौजूदा डिप्टी सीएम सुशील मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया है, क्योंकि उनके वित्त मंत्री रहते हुए भी सरकारी फंड निकासी का काम तेजी से चल रहा था। लालू ने सरकार से सुशील मोदी को उनके पद से हटाने और मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग कर दी है। भागलपुर में जो घोटाला हुआ, 1000 करोड़ तक अभी तक पहुंच गया है, आप लोगों को फिगर सही नहीं दिया जा रहा। 1000 करोड़ से भी बेसी जब सीबीआई लगेगी तो समूचा आपको सबको पता लग जाएगा। एनजीओ के माध्यम से बिहार की गाढ़ी कमाई का पैसा विगत 16-17 साल में कैसे नीतीश कुमार लुटवाए। कहा जाता है कि सृजन की संस्थापक मनोरमा देवी की ख्याति कुछ ही दिनों में इतनी बढ़ गई थी कि हर छोटे बड़े कार्यक्रमों में कई बड़े नेता उनके एक बुलावे पे पहुंच जाते थे। मौजूदा समय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भाजपा प्रवक्ता व भागलपुर के पूर्व सांसद शहनवाज हुसैन की एक फोटो भी मनोरमा के साथ वायरल हुई है। मनोरमा देवी की सृजन का काला कारनामा तो उजागर हो गया है, लेकिन मनोरमा अब इस दुनिया में नहीं है। उनके निधन के बाद उनकी बहू प्रिया और बेटे अमित ने सृजन की जिम्मेदारी संभाली। ये दोनों फिलहाल फरार है। हालांकि पुलिस की छानबीन युद्ध स्तर पर जारी है। इन दोनों की जल्द गिरफ्त में आने की संभावना है, जबकि कई लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं जिनसे पुलिस की पूछताछ फिलहाल जारी है।